agricultural laborers and farmers in India. So till now, we were reading about Kalapattu village. हमने देखा कि कालापट्टू विलेज में रहने वाले फार्मर्स की क्या हालत थी, वो किस तरह अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। बट अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ओवरऑल इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी क्या हालत है, इंडिया में जनरली किस तरह के फार्मर्स पाए जाते हैं, तो ये चीज़ पर हम इस सेक्शन में ध्यान देंगे, ठीक है। सो कालापट्टू विलेज में हमने देखा कि हर तरह के फार्मर्स पाए गए वहाँ पे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे जैसे कि तुलसी थी, एंड कुछ छोटे फार्मर्स थे जैसे कि हमने शेखर की कहानी पढ़ी, और कुछ बड़े फार्मर्स भी थे जैसे कि रामलिंगम। तो हमने तीनों तरह के लोग देखे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स कौन होते हैं, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती, उन्हें जैसे लैंडलेस लेबरर्स भी होते हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती, और ये जो लेबरर्स हैं वो दूसरों की ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़मीन है बट छोटी ज़मीन है। और उसके बाद रामलिंगम जैसे फार्मर्स जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर 5 रूरल फैमिली में से 2 फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज होती हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई गांव में 5 फैमिलीज है तो उनमें से 2 फैमिलीज ऐसी होंगी जो कि दूसरों के खेतों पर काम करके अपना जीवन चलाती हैं। सो दूसरों के खेतों पर काम करने से जो भी पैसा मिलता है ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड रहते हैं। काम मिल गया तो पैसा भी मिल जाएगा उस दिन का, अगर नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाती है, नहीं तो कहीं और ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह उनकी हालत होती है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। तो मतलब जितना भी उनका काम होता है वो किस पर डिपेंड होता है, जो भी वो दूसरों के खेतों पर काम करके कमाते हैं सिर्फ उस पर डिपेंड होता है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती, जो कि लैंडलेस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होती हैं, ठीक है, जिनके पास छोटी होती है लैंड। अब जो लोग छोटे फार्मर्स होते हैं, आपको कि ठीक है उनके पास खेत तो है, कम से कम कुछ तो मिलता होगा, मिलता तो है बट इतना नहीं मिल पाता कि जो कि उनकी नीड्स को कम्प्लीटली फुलफिल कर पाए, ठीक है। देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरे तरीके से वो जो भी उनको खेती से मिलता है अपनी छोटी सी लैंड से जो भी उगाते हैं तो वो उनके नीड्स को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे कि हमने शेखर की कहानी पढ़ी थी, तो जो भी उसको पैडी मिला था तो वो पूरे साल नहीं चल पा रहा था, वो सिर्फ 8 महीने चल पाता। अब 8 महीने चल पा रहा है तो उसके बाद का जो समय है उसमें कमाने के लिए, ताकि वो खाना अरेंज कर पाए अपने परिवार के लिए, उन्हें कहीं और भी काम करना पड़ता है। तो या तो वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं या फिर कहीं और काम ढूंढते हैं। तो इस तरह उन्हें सिर्फ उनकी जो लैंड होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, तो उन्हें कहीं और भी काम ढूंढना पड़ता है। और इंडिया में जो 80% किसान हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब कि इंडिया में अगर 100 फार्मर्स हैं तो 100 में से 80 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, और 20% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो कि बड़े फार्मर्स हैं जैसे कि रामलिंगम जैसे लोग। अब गांव में जितनी भी ज़मीन होती है उस ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा बड़े फार्मर्स ही कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, और फिर जो भी उनको फसल मिलती है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे बड़े फार्मर्स होते हैं जिन्होंने अपना साइड का बिजनेस भी चला लिया होता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही डिपेंड नहीं होते, उसके साथ साथ वो दूसरा चीज़ भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अपनी शॉप्स खोल लें, जिसके हमने रामलिंगम के केस में देखा कि वो सीड्स फर्टिलाइजर्स वैसी शॉप खोली हुई थी उसने, या फिर वो मनी लेंडिंग का काम करें, मतलब दूसरों को पैसा उधार पे दे दें तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो उनकी कमाई हो गई, ट्रेडिंग करें वो, ठीक है, व्यापार करें, और स्मॉल फैक्ट्रीज खोल लें अपनी, जैसे कि रामलिंगम की एक मिल भी थी, राइस मिल। तो इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही डिपेंड नहीं होते, वो लोग फिर अपना और भी बिजनेस खोल लेते हैं जिससे कि वो और एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। सो नागालैंड की फेक डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक चिजामी विलेज है, और उस विलेज में रहने वाले लोग चांगेसांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये लोग टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। अब टेरेस कल्टीवेशन से आप क्या सोच रहे होंगे कि छतों पे वो लोग अपनी फसल उगाते हैं, नहीं, वो लोग क्या करते हैं, जो माउंटेन की या हिल की जो स्लोप होती है उसको वो लोग काट देते हैं और कुछ इस तरह फील्ड्स बना लेते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है। सो ये जो फील्ड है कुछ इस तरह वो लोग काट के बना लेते हैं इस स्लोप को, और ये एकदम आप देखोगे सीढ़ियों की तरह लग रहा है, स्टेप्स लग रहे हैं ना एकदम,
तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह फ्लैट प्लॉट्स बना लेते हैं हील के स्लोप को काटकर, और हर एक जो वो प्लॉट बनाते हैं उसको उसके एज से, यहाँ से आप देखोगे जो ग्रीन ग्रीन बाउंड्री दिख रही है ना आपको, है ना, इनके एज में, तो वो लोग क्या करते हैं हर एक फ्लैट प्लॉट को थोड़ा सा साइड से उठा देते हैं, उसकी मिट्टी को थोड़ा सा वहां पे इकट्ठा कर देते हैं ताकि पानी को यहाँ पे रोका जा सके। और ये जो सिस्टम है ये राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब वैसे तो जो चिजामी विलेज में रहने वाले लोग हैं उनके अपने अपने फील्ड्स हैं, बट वो लोग साथ में काम करते हैं, मिलकर वो लोग एक दूसरे के फील्ड्स पर काम करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 6 से 8 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और पूरी एक एंटायर माउंटेन साइड ले लेते हैं वीड्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। मतलब वो लोग 6 से 8 लोगों के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और सभी लोग अपना अपना एक एरिया ले लेते हैं और वहां से वो वीड्स क्लीन करते हैं। वीड्स क्या होता है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे फसल के साथ कुछ फालतू पौधे उग जाते हैं खराब, जिनका कोई यूज नहीं होता, ऐसे ही फालतू घास फूस उग गई तो उसको हटाना होता है, तो इसीलिए वो वीड्स कहलाते हैं, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और सभी लोग फिर अपना अपना हिस्से पर क्लीन करते हैं वीड्स को, और वो लोग सभी जो ग्रुप हैं हर एक ग्रुप अपना अपना साथ में मिलकर खाना खाते हैं, और ये काम वो लोग कुछ दिनों तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए, तो इसी तरह वो लोग काम करते हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ टेरेस कल्टीवेशन इज डन। अब कालपट्टू विलेज की कहानी पढ़ते पढ़ते उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स की बात की, छोटे फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए और बड़े फार्मर्स हो गए, तो आप सोचोगे कि क्या विलेजेस में सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स होते हैं, क्या और कोई नहीं होता? नहीं, देखो हमने एकदम शुरू में पढ़ा था कालपट्टू विलेज के शुरुआत में, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे और भी लोग थे, वहाँ पे शॉप्स भी खुली हुई थी, वहाँ पे साइकिल रिपेयर की दुकान भी थी, कुछ फिश भी पकड़ रहे थे कुछ लोग, तो अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक ही काम पे डिपेंड नहीं हो सकते, सबको अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और सबकी ज़रूरतों के हिसाब से लोग अलग अलग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फार्मिंग के अलावा रूरल एरियाज में लोग जो जंगलों से वो सामान इकट्ठा करते हैं उस चीज़ पर वो डिपेंड होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे वो डिपेंड रहते हैं, डेयरी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाते हैं, फिशिंग पे डिपेंड रहते हैं, तो ये सभी चीज़ों पर भी वो डिपेंड रहते हैं, सिर्फ फार्मिंग पर ही डिपेंड नहीं रहते। सो अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर फार्मिंग और जो वो जंगलों से चीज़ें कलेक्ट करते हैं वो दोनों ही काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लाइवलीहुड के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंड है, वहाँ के जो लोग हैं वो फार्मिंग भी करते हैं और साथ ही साथ जंगलों से सामान भी इकट्ठा करते हैं। अब कैसा सामान, जैसे महुआ, महुआ जो होता है एक ऐसा पेड़ होता है जिसके फूल भी एडिबल होते हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तेंदू लीव्स होते हैं, उसके बाद हनी कलेक्ट करते हैं और फिर इन सभी चीज़ों को वो कलेक्ट करके ट्रेडर्स को बेच देते हैं, तो इस तरीके से वो अपने कुछ लाइवलीहुड है इस तरह भी अर्न करते हैं। अब कुछ लोग जो है वो पूरी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि जिनके पास ज़्यादा गाय भैंस वगैरह हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारा दूध इकट्ठा करके या तो विलेज कोऑपरेटिव्स में दे देते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग दूध लेकर किसी पास के टाउन में बेचने चले जाते हैं। तो इस तरह कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो दूध है वो उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। और अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो हमें फिशिंग विलेजेस मिलेंगी, ऐसे विलेजेस जहाँ पे रहने वाले लोगों की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है फिशिंग। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम एक फिशिंग फैमिली के बारे में जानेंगे, अरुणा एंड परिवेलिन की कहानी पढ़ेंगे, जो कि पुडुपेट के पास रहते हैं, जो कि कालपट्टू विलेज के ही पास एक विलेज है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट फिशिंग फैमिली, टिल नाउ वी वर रीडिंग अबाउट फार्मिंग फैमिली, सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट अरुणा एंड परिवेलिन स्टोरी।